हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जब हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। चलिए करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। आंसर ये है 1। हमें क्या करना है, 17 से 1 को डिवाइड करना है। तो 1 तो छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसे बड़ा बनाने के लिए 0 इसके पीछे पॉइंट यहाँ लगाएंगे। फिर ये 10 अभी भी छोटा है, तो हम 0 लगाएंगे, ये 100 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 17 5 जा 85, माइनस किया आया 5 और 115, फिर 0 लगाया 17 8 जा 136, माइनस किया तो आया 4 और 140, इसके पीछे 0 लगा देंगे, 14 आया और माइनस करके 0 लगाया, 140 हो गया। फिर हम लगाएंगे 17 8 या 136, फिर माइनस किया 4 आया, फिर इसके पीछे 0 लगाया, 17 2 या 34, माइनस किया तो ये हो जाएगा 6 60, 17 3 या 51, माइनस करके आया 9, फिर से 0 लगाया, 17 5 जा 85, फिर माइनस किया आया 5 50, 17 2 जा 34, माइनस किया आया 6, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे 3 में से 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचा, 16 हो गया। फिर इसके पीछे 0 लगाएंगे, 17 9 जा 153, माइनस किया तो हमारे पास आया 7 और यहाँ पे बचेगा 0, तो इसके पीछे फिर से 0 लगाएंगे, आ जाएगा 17 4 या 68, माइनस किया तो आया 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर ये होगा 2। इसके पीछे फिर से 0 लगा दिया, 17 1 या 17 बचा 3, फिर से 0 लगाया, 17 1 या 17 यहाँ पे बचा 3 और ये हो गया 13। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसके पीछे फिर से 0 लगाते हैं, 17 8 जा 136 हो जाएगा, 17 7 जा 119 माइनस किया तो आया 1 और यहाँ पे बचा 1, ये 11 हो गया, ये छोटा है तो इसे बड़ा करने के लिए फिर से 0 लगाएंगे, 17 6 जा 102 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 102, माइनस किया तो 8 आया, देन ही 0। फिर यहाँ पे 8 इसे बड़ा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और 17 4 जा 17 5 जा 85 होता है, बड़ा हो जाएगा, 17 4 जा 68 आएगा, यहाँ पे आ गया 68। देन इससे आगे मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, माइनस करके क्या आएगा 2 और यहाँ पे बचा 7, तो 12 हो गया, जो 17 है उससे ये 12 छोटा है, तो फिर से हम 0 लगा देंगे, फिर ये जाएगा हमारा 17 6 जा 17 7 जा 119, फिर बचा 1, माइनस किया तो कितना आएगा 1, फिर से हम इसके पीछे 0 लगाएंगे, फिर हमें एक और 0 चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, वापस क्या हो गया हमारा 100 हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वापस से हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, जो कि हमें फिर से इसी फॉर्म में चाहिए होगा, और फिर से हम 17 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सारा रिमाइंडर आ जाएगा और ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो हमारे रिपीटिंग डिजिट्स क्या हैं, ये सब कुछ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 0.058823529411764 7, और ये सारा बार लग जाएगा। बार क्यों लगेगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारा जो q होता है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब हमें देखना है कि इसे हम इनमें से किन किन को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडर रूट 23 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो हमारा पॉइंट में आएगा और उसे हम अंडर रूट p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो एक तो ये हमारा इरेशनल आ गया, अंडर रूट 23 एंड इरेशनल की बात कर रहे हैं। ओके, रेशनल हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा 225 रेशनल है या फिर इरेशनल है? 225 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो यानी इसका 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इस 15 के नीचे क्या होगा? 1 होगा। q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। यानी अंडर रूट 225 हमारा क्या हो गया? रेशनल हो गया। फिर हम बात करें 0.3796 की, यहाँ पे ये रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा? हमने रेशनल में ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हमने रेशनल में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग कैसा होता है? जिसके डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद ज़ीरो आ जाए, ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ज़ीरो आ जाए वो क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिपीट हो रहा होगा क्वेश्चेंट उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टाइम बाद ख़त्म हो जा रहा है, यानी ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल हो जाएगा। 0.3796 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। फिर हम आते हैं 7.478478। आपको एक डैश 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 मतलब क्या है, आगे ये सारी डिजिट्स जो हैं हमारी चलती जा रही है। और अब हमें देखना है क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग होता तो यहाँ पे डॉट डॉट नहीं होता। दूसरा, अब हमें देखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर नहीं है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो ये रेशनल होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो 7.478478 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 478478 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7.478 बार लिख सकते हैं। और जब हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है तो वो भी क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे 7.478, ये भी क्या हो गया? हमारा रेशनल हो गया। लास्ट वन इज 1.10100110001। ये डॉट 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 मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीट हो रहा है? 1.01001 ये रिपीट नहीं हो रहा है। जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस नॉन रिकरिंग हो यानी रिपीट ना हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। 1.01001000001 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही हमारे आगे को चलते रहेगा। यानी ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़ीरोस का रिमाइंडर नहीं आ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।